बोल भैया किधर जाना यार, इधर ब्रिटिश का अटैक हो, और जब वो इसके अंदर गए तो वो इसमें कंफ्यूज हो गए क्योंकि वो बिना मैप उतरे, उनको लालच रही कि शायद खजाने के रास्ते होंगे, तो ये लालच उनके लिए बुरी बला बनी, जो कंफ्यूज हुए वो वापस नहीं आए, इससे ये रास्ते को उस वक्त के बाद 1960 के बाद ब्लॉक करेगी कि इसमें कोई भी नेक्स या कोई दोबारा अंदर ना चला जाए। गेट ओपन आज भी, आप यकीन देख के यकीन कर सकते हैं, मगर सुना बाद में बंद हुआ है। हाँ, 1960 में। आइए ठीक है, ये वाला रोड है। अब आगे बोले कौन सा, ये क्या देखिए, पहले कोई टेक्नोलॉजी नहीं थी, ये आप भी जानते हो, बट टेक्नोलॉजी कितना ही सब सिस्टम बनाए, पहले कोई टेक्नोलॉजी सिस्टम जो दिया टेक्नोलॉजी कितना दिया। अब हम जो आपको एक सेंटर दिखाएंगे इस विंडो से, आप देख सकते हैं, आपको कोई नहीं देख सकता, वैसे ही कैमरे का भी सिस्टम है, कैमरे से आप देख सकते हैं, वो नहीं देख सकता। आइए, तो ये है वो वहाँ का उस समय का खुफिया रास्ता। লোকটাকে এখানে তো দেখতে পাবে না, কমন প্যাসেজ ডান দিকে একটা বাঁ দিকে একটা আছে, এই ব্যাপার আছে, সমঝ রা বলি সমঝ রা
उनका कहने का मतलब कि ये इधर ही है, यहाँ से ये देख, ये जो हवेली दो अलग अलग कर दिए ना, ये मिडिल का पैसा है, कौन पैसे है? बंगाली भाषा बोल रहे Where she at? I'm searching for this fine shorty, and it ain't like I've been getting naughty. I'm for real, you know I don't play that, cause I mean it when you hear me say that. Madly searching for this fine shorty, in my world the number one hottie. Everywhere she make him go crazy. ये विंडो है जो हॉल में अंदर गई है, जिससे अंधेरा होने से लग रहा है कि सुरंग है, सुरंग नहीं विंडोज है, एयर पास होने की चीज है। आगे सीढ़ी है, देखते उतरेंगे। देखिए लास्ट क्या दिन तक आते गए, ये आपकी 330 फीट लेंथ एक लंबी दीवार थी, जिससे हम सीधे स्ट्रेट आते गए 2.5 फुट के रास्तों के रेंज में। देखिए 15 फीट मोटी और 2.5 फुट का रास्ता, ये एक रास्ते हैं। देखिए जो बैलेंस दीवारों में डिवाइड किए ऑक्सीजन से, तो एक विंडो से जो ऑक्सीजन बन रही है और उससे क्वेंटो है, एक हवा पास होने के साथ एक कूलिंग बन रही है। क्या दीवारें देखिए आपको ठंडी ठंडी मिलेंगी, उसी से ऑक्सीजन से एक बिल्डिंग के अंदर एक वेंटिलेशन का कूलिंग सिस्टम है। क्या आप बिल्डिंग के किसी भी कोने तक जाएंगे आपको कहीं भी घुटन सफोकेशन नहीं मिलेगी। तो यही वो सिस्टम एक रास्तों को डिवाइड करके बनाना, जो आप उसी के अंदर आना है। ये आपका फर्स्ट फ्लोर है, जो अभी हम फर्स्ट फ्लोर के अंदर राउंड कर रहे हैं, बट हम जो ऊपर चलते रहेंगे रास्ते ओपन होते रहेंगे। यहाँ से आपका 2.5 फुट का रास्ता स्टार्ट हुआ है, अब आगे बढ़ते हैं 5 फीट का होगा, उसके ऊपर आ जाएंगे तो 7 फीट का रास्ता हो जाएगा। ये क्यों ये वेट को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं बिल्डिंग कंप्लीट की, क्योंकि विदाउट सपोर्ट पूरी बिल्डिंग से। आ जाइए अंदर आ जाए, अंदर चलिए, अंदर आइए, आ जाएगा वो लोग, अरे वो लोग आ जाएगा। आइए वेट को डिवाइड करते हुए बैलेंस के साथ रास्ते बनाए हैं। 2.5 फीट पर चले आगे 5 फीट हो जाएंगे, फिर लास्ट में हम 7 फीट से 8 फीट पे रास्तों पे स्पेस होते चलेंगे, यानी कि जो बिल्डिंग ऊपर होते जाएंगे वो बिल्डिंग ओपन होती है। ये जो बिल्डिंग का वेट है वो पूरा एक बैलेंस नहीं बनाए, जो बिल्डिंग ऊपर होती है वो वेट डिवाइड होता रहा है कि जो लास्ट तक पूरी बिल्डिंग का बैलेंस के साथ इतना वेट रहे कि पूरी बिल्डिंग कवर कर सके। ये वो पॉइंट चीज जो पूरी बिल्डिंग को वेट को डिस्ट्रीब्यूट करते हुए पूरी बिल्डिंग एक बैलेंस में कम्प्लीट करेगी, जो हम उसी के अंदर दीवारों में चलेंगे। कूलिंग का सिस्टम से वेंटिलेशन के अंदर इको बनता है ऑटोमेटिक कलाकारी से, जिस लखनऊ की मिसाल एक जानी जाती है, फेमस एक ओल्ड कहावत कि धीरे बोले ऐसा दीवारों के भी काम होते हैं, एक यहाँ की फेमस मिसाल है। यकीनन जो ओल्ड होने से बहुत आज भी फेमस हुई, क्योंकि पहले मोबाइल टेलीफोन नेटवर्क की सिस्टम नहीं था, लोग जो भी बात अक्सर वो एक दूसरे करते थे, चाहे वो पर्सनली हो या फिर कोई भी किसी की कोई बुराई हो तो वो कुछ बुराई गलत बात हुई जिससे किसी ने किसी के जरिए की जाती थी जो गलत होता था। इस ईको से कभी किसी ने बुराई नहीं की, तो डर रहा कि अगर हम किसी के बारे में कुछ गलत बोलते हैं तो यहाँ पर सुन सकता है।
तो इससे यहाँ पे किसी ने कोई बुरा नहीं, कुछ फ्रेंडली एकता बना, एक दोस्ती बनी और उसमें एक मिसाल बनी कि धीरे बोलना ऐसा दीवारों के भी काम होते। जो फेमस मिसाल यहाँ पर कहावत है जो हम आपको इसके सेकंड फ्लोर पे लास्ट में सुनाई देगी, ये भी मैं फर्स्ट फ्लोर कर रहा हूँ। अब हम आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा फिलहाल दे रहा होगा, डार्क होगा, उसको लाइट डाउन कर लें। देख के आगे आए, दो सीढ़ी बीच में पड़ेंगी। यहाँ पर भूत की आवाज जितना भूत था निकल गया। अभी आवाज यहाँ पर ठीक है ना, कोई दीवाना कहता है, कोई पागल समझता है, मगर धरती की बेचैनी को बस बादल समझता है। मैं तुझसे दूर कैसा हूँ, तू मुझसे दूर कैसी है। अब अगर दिल धड़के तो तालियों में तब्दील कर दे। राइट हैंड गए, जिस राइट राह का रास्ता गलत हुआ, आज से हम आपका स्ट्रेट जाएंगे, आप ये भी रास्ते पे गलत होंगे, आपको लेफ्ट लेना है क्योंकि लेफ्ट से हम आगे बढ़ेंगे सेकंड फ्लोर के लिए। तो देखिए ऐसी फोर रास्ते आपके सामने आएंगे, उसमें जिस एक रास्ते को फॉलो करेंगे जो आपके लिए गेस सही होता गलत, यही वो पॉइंट है कन्फ्यूजिंग का। तो यहाँ से लेफ्ट रास्ता सही क्योंकि हमें भी बताना है आपको, क्योंकि हम अभी आपको आगे लेके चलना है सेकंड फ्लोर पर। तो आइए यहाँ से आपका सेकंड फ्लोर स्टार्ट होता है, चले आइए। अरे हम निकाल लेंगे भाई। नशार अहमद भूल भुलैया तेरी आखे, अरे इसमें थोड़ा फटो भी खींचा कर, ठीक है फोटो ले लो अपने मोबाइल से यार। अब हम क्या क्या करें, रास्ता आपको वैसे डिवाइडर मिलेंगे चारों तरफ से जमन, हम आपको यही पे वो एकी को सुनाएंगे जो हमने आपको नीचे बताया कि हम आपसे अपने जो आवाज़ से कांटेक्ट करेंगे दीवार से करेंगे, जो लगभग 30 फीट या 60 फीट की दूरी पे जाके आपसे बात होंगे, वो बात हमारी जो होगी वो आपसे क्लियर होगी, जब बिल्कुल सिंपल आवाज़ से बात करेंगे। यही वो इको कहा गया जो एक लखनऊ की मिसाल कही गई कि धीरे बोलो ऐसा दीवारों के भी काम होता है, जो आपको एक वॉल एक दीवार के जरिए सुनाई देगी आवाज़। तो ये कूलिंग सिस्टम होगा कि अगर आप दीवारें चेक करें देखिए आपको हॉलो लगेंगे, तो ये हॉलो नहीं है, ये एक मटेरियल की कलाकारी जो खाने का यूज़ किया गया, इसमें सब खाने की चीज़ें इस्तेमाल हुई हैं, इससे ये पूरी बिल्डिंग बनी है। तो खाने की क्या चीज़ें यूज़ हुई वो हम आपको अब इसके ऊपर बताएंगे, अभी आप उसकी इको तो कलाकारी देते हैं, ठीक है। सारा सिस्टम हवाई के ऊपर बनाया गया, आइए आइए।
चलिए अंदर चले, अंदर से लेफ्ट ले लेंगे। अब भी चले अंदर से लेफ्ट, मैं वहाँ पर इधर आ जाऊँगा। मैं बुलाई शब्बीर भाई। हेलो वो बोल रहे कुछ, कम यार एक्सक्यूज मी। ओ वाओ ये क्या है? कम वो आप जो लाइट फेंक रहे हैं वो कौन है? आप कोई एजेंट होगा? हेलो कुछ सुन करो ना सर, साइलेंट खड़े होना यहां पे, आवाज देके मैं फॉलो कर रहा हूं आप, ठीक है? फिर आगे आइएगा आप भी साइलेंट। ये को तक अच्छे सुन लो भाई, ये आपको सुन भाई। नहीं नहीं यार ज़्यादा वाइड हो गया देखिए। ये तो ये है पॉइंट, जब हम बिल्डिंग के राउंड करते हैं थर्ड फ्लोर पर आ गए, वैसे राउंड करते हैं वहाँ पे फिर रिटर्न हो गए 45 उस एंटर गेट से जिससे हमने एंटर किया था ना, वहीं से एग्जिट होना। देखिए ये है पॉइंट जो बिल्डिंग की खूबसूरती से बनी कलाकारी के साथ विदाउट सपोर्ट जो आपने देखा। देखिए जो मेटल यूज़ किया वो कुछ खाने का इस्तेमाल किया वो ये है, उड़द की दाल, सिंगाले का आटा, गुड़, गोंद, शहद, गन्ने का रस, चूना, सुर्खी, मिट्टी, रखोड़ी, ये एक मटेरियल बनाया गया जिससे पूरी बिल्डिंग 11 साल में कंप्लीट करी गई। 1723 में यूज़ हुई यानी कि स्टार्ट किया गया काम और 1784 में बिल्डिंग कंप्लीट करी गई। ये वो कलाकारी जो 11 साल बिल्डिंग को बहुत ही टैलेंट से एक खाने चीज़ें बनाए, एक बिल्डिंग को लाइफ टाइम बनाने के लिए इसी से इसमें खाने के चीज़ें का मटेरियल का इस्तेमाल हुआ। बिल्डिंग का मकसद एक काम देना था सर, लोगों को वर्क देना था, सूखा अकाल था, लोग बेरोजगार थे, तो ना सामने काम देने के कैंपस बनाए। कैंपस ये बिल्डिंग इनका कोई घर या महल नहीं है, आपको नीचे बता दूंगा, सिंपल एक दरगाह है कि मामा जो इसी वर्ड से कहते हैं। ये रास्ते आज वेंटिलेशन के लिए बने, आर्किटेक्चर ने माइंड के साथ बैलेंस के साथ बनाए जो इसमें कलाकारी कन्फ्यूजन थे, ये फेमस हुए गुरबिया के नाम से। जोधपुरा कैंपस वाकई एक वर्ल्ड का हेरिटेज जाना गया, फेमस हुआ। कहाँ बैठ गया देखिए हाँ, बट जब लोगों ने काम किया तो लोग बहुत खुश हुए, इम्प्रेस हुए, तो लोगों ने भी रिस्पेक्ट दी नवाब साहब को, कहा कि जिसको नहीं देगा मौला उसको देगा नवाब आसिफुद्दौला। ये बहुत बड़ा नारा था जो ईश्वर भगवान बराबर कंपेयर करना था, बट नवाब साहब ने नहीं गलत, देने वाला सिर्फ हमेशा ऊपर वाला होता है चाहे कोई नवाब हो या कोई भी राजा हो। इसलिए आप सब ये कहें कि जिसको दे भगवान ईश्वर मौला उसी को देगा नवाब आसिफुद्दौला, क्योंकि सब कुछ देने वाला सिर्फ हमेशा ऊपर वाला होता है। तो ये बताइए ना कि इंसान जितना बड़ा भी हो मगर उसकी पहचान उसके काम से होती है। इसी से नवाबों ने रिस्पेक्ट एक अदब का जो शासन किया, ये उनका बहुत बड़ा राज रहा यहाँ पे। इसी बाद इसी से लखनऊ एक नवाबों का शहर, एक गंगना जमनी तहजीब कह के ये जाना गया। तो ये लखनऊ के जो 4 नवाब थे, नवाब आसिफुद्दौला बहादुर, ये रिस्पेक्ट एक अदब सिखाया जो एक अदब चली। इसी से आइए
लखनऊ में सर 10 नवंबर का राज रहा है 1722 से लेकर 1857 इस 135 साल के राज में नवाबों के शासन के 10 ये नवाबी नहीं निगरानी कैंट्रीज थे आपको बता दें संबंध था इनका जो मुगल दौर के राज बादशाह मोहम्मद शाह जफर ने बुलाया था जो फर्स्ट नवाब बने थे सादत खान दिल्ली में वहाँ से सिलसिला स्टार्ट हुआ नवाबों का जो एंड लखनऊ में लास्ट बादशाह वाजिद अली शाह थे 1857 में इनको ले गया गया था कलकत्ता जिनकी आज यहाँ की आखिरी बादशाह की समाधि कलकत्ता में वाजिद अली शाह तो वो इनके लास्ट बादशाह थे ठीक है।